सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसे आप भुसावल से उतरते हो, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से JRT पहुंचते हो, JRT पहुंचने पर आपको कैसा लगता है देखिए। आप जैसे अंदर घुसते हो और ये क्षेत्रीय रेल परीक्षण संस्थान भुसावल और JRT, यहाँ से जैसे आप अंदर घुसते हो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसा लगता है कि कैसा भी मौसम हो आपको यहाँ हरियाली ज़रूर देखने को मिलेगी। आप अंदर घुसने के बाद आप अपने आप को एकदम सुरक्षित ढंग से पहुँचाएँ और आराम से पहुँचने पर अंदर घुसने पर आपको कैसा कहाँ कहाँ जाना है आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या क्या है इसमें पूरे JRT में, तो यहाँ पे आपको एक लोकोमोटिव नज़र आ रहा है और इधर गर्ल्स हॉस्टल हैं। इधर राइट साइड में ये देखो एक नौजवान बाइक लेके आ रहे हैं। आगे पढ़ने पर आपको एक इंद्राणी उद्यान मिलेगा। वहाँ पे आपको इंद्राणी उद्यान के आगे पूरा का पूरा मौसम एकदम शानदार लग रहा है और यहाँ पे आपको ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इंद्राणी का देखने को मिला। फिर आगे बढ़ने पर आपको डीजल लोकोमोटिव्स उद्यान वगैरह एक सारा देखने को मिलेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो आपको नज़र आए, ये डीजल लोकोमोटिव, ये सुरक्षा घंटी है जिसे बोलते हैं संरक्षा घंटी। और ये आपको भुसावल का क्षेत्रीय कार्यालय है। यहाँ पे सारी ही आपकी जॉइनिंग की रिपोर्ट यहीं पे होगी। फिर यहाँ से चारों तरफ देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी उद्यान में भ्रमण करने आए हैं। क्षेत्रीय रेल परीक्षण संस्थान मध्य रेलवे भुसावल। यहाँ से आप आगे बढ़ने पर आप क्या देखते हो, चारों तरफ हरियाली का मौसम ही छाया रहता है। अब आप आगे बढ़ते हो तो क्या देखने को मिलेगा, ये गोदावरी के नीचे आपको एक जो मैप है पूरा JRT साइट मैप है भुसावल, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, मॉडल रूम है, हॉस्टल है, क्वार्टर है, वो सारा देखने को मिलेगा। ये डीजल इसके साइड राइट साइड में आपको डीजल लोकोमोटिव कक्ष देखने को मिलेगा, डीजल लोको मॉडल रूम देखने को मिला। ये डीजल लोकोमोटिव का जो अपना मेन कंट्रोलर है वो भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, जहाँ से ये चलने पर किस तरह से डीजल का काम, डीजल लोकोमोटिव चलती हैं। और इसके आगे CNW मॉडल रूम है। इससे आगे आपको 4 इलेक्ट्रिकल मॉडल रूम भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल मॉडल रूम में आपको एक तो पेंटोग्राफ देखने को मिलेगा और एक बॉगी देखने को मिलेगी। ये टाओ मोटर्स वगैरह, हिटाची मोटर्स का गियर केस देखने को मिला ये अपना। फिर इससे आगे ये अपना पूरा AC लोकोमोटिव का मॉडल रूम है। इस AC लोकोमोटिव रूम में से आगे बढ़ने पर आपको चारों तरफ बैठने को विद्यांचल देखने को मिला, नर्मदा देखने को मिलेगा हॉस्टल, गंगोत्री से आगे बढ़ने पर गंगोत्री के आगे ही आगे साइड में आगे आपको खेल ग्राउंड देखने को मिलेगा। इससे आगे बढ़ने पर ये खेल ग्राउंड बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे क्रिकेट भी चलता है, फुटबॉल भी चलता है। इससे आगे बढ़ने पर वागूर हॉस्टल मिलेगा। वागूर हॉस्टल से आगे बढ़ने पर बहुत ही बड़ा है वागूर हॉस्टल। इससे आगे बढ़ने पर आपको श्री राम मंदिर देखने को मिलेगा। श्री राम मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया है प्रभु श्री राम का। इससे आगे बढ़ने पर आपको फिर अपने राइट साइड में आते हैं तो रेल कर्मचारी यहाँ पे ताप्ती के पास में ही आपको अन्नपूर्णा भोजनालय देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर अन्नपूर्णा भोजनालय है। आप अन्नपूर्णा भोजनालय के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े हॉस्टल में एकदम सुंदर हॉस्टल में आए हो, एकदम शानदार आपको हॉस्टल नज़र आएगा पूरा। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिला, हॉस्टल वगैरह इतनी सारी सुविधाएं हैं। JRT में आपका स्वागत है, सभी आनंद उठाएं और आनंद रहें, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करें यहाँ आके।